थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने स्त्री तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी फिल्म रिलीज हो रही है कल तो आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट थैंक यू बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हैं और ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड I would say कि इनकी सबसे आई थिंक हिज बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई रियली लव वाज अगली में जो ऑफकोर्स अनुराग कश्यप जी की फिल्म है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू वॉच हिम इन दिस फिल्म थैंक यू बहुत ही मेहनती है मेरी बहन यू नो ऐसे ऐसे रोल्स कर लेती है फ्रॉम स्त्री टू ए बी सी डी टू बागी टू हैदर और अडाप्ट कर लेती है और कैरेक्टर के अंदर यू नो बहुत ईजिली घुस जाती है और बाहर भी निकल जाती है अभी गाड़ी में बात कर रही थी साइना के लिए क्या क्या प्रेपरेशन करने वाली है तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड आई एम सुपर प्राउड ब्रदर अभी स्त्री ने देखो क्या कमाल कर दिया बॉक्स ऑफिस कि मैं मेरे दिमाग में तो वही ड्राइव होती है कि मैं और काम करूं अलग अलग किरदार चूज़ करूं और मेहनत करते रहूं बस और जितना और मेहनत करूंगा उतना ही फल मिलेगा तो आई गेस मेहनत 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 बातचीत होती रहती है लेकिन हम और भी दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है नॉर्मल वैसे ही फिल्मों के बाद बहुत ज़्यादा भार भी हो जाती है तो कभी हम जब भी फिल्म रिलीज होती है तो एक दूसरे से अलग चीज़ों की भी बातें करते हैं बहुत ताकि माइंड ऑफ हो जाए हमारा यू नो घर पे हमारा डॉग है हम नो पेरेंट्स हैं हम सब मिलजुल कर फिल्मों की बात होती है फिर सब भागने लग जाते हैं यहाँ पर यू नो क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया बट हाँ बातें तो करते हैं I think that इतने sincere इतने hardworking है और वो 110% डालते हैं जब मैं घर पर देखती हूँ जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका 110% होता है और एंड आई एम श्योर दैट ही ओनली कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर और जैसे मुझे भी आई ऑल्सो वॉन्ट टू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर जी बिल्कुल आज के बहुत ही हैप्पी इवेंट पे जो डिसीजन हुआ है उसके लिए मैंने ये टी शर्ट भी पहना है लव इज़ इनफ क्योंकि वही मायने रखता है प्यार मायने रखता है एंड मैं बहुत खुश हूँ आज के फैसले से